आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ PS4 Pro। ये देखो ये स्पेशल है 2TB जी गाइस, और ये है 9.00, और इसके अंदर कितने गेम्स लोडेड हैं, कैसे आप वर्जन चेक कर सकते हो, और कैसे पेन ड्राइव का यूज है, अनलॉक कैसे कर सकते हो, और जो हमारे फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को बाय करते हैं कैसे वायर कनेक्ट करनी है, ठीक है, कैसा इसका यूसेज है, तो आज बेसिक से लेकर एंड तक आपको बताने वाला हूँ। गाइज ऐसा है ये स्पेशल सेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपका दिल खुश होने वाला। ये देखो सबसे पहले आप सेट देखो, ये रहा ब्रांड न्यू कंडीशन का PS4 Pro, ठीक है। आजकल बहुत सारी वीडियो में दिखा रहे हैं 4TB 5TB 70 गेम लोडेड 100 गेम लोडेड, गाइस सब कोई बकवास है गाइस। अब मैं आपको दिखाता हूं आपको कैसे चेक करना है कि ये 9.0 है कि नहीं। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, फिर सबसे नीचे जाना है आपको, अब ब्लू कलर की लाइट आपको जलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और ये रहा रिमोट, PS बटन इस तरीके से दबाएंगे, ये देखो गाइस आपको मिलेंगे असैसिन क्रीड मिराज, क्रिकेट 22, डेज गोन, फार क्राई 6, एल्डन रिंग, फीफा 24, गॉड ऑफ वॉर 4, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक, गॉड ऑफ वॉर 3 रिमास्टर्ड, हॉगवर्ट्स लेगेसी, हिटमैन 3, GTA 5। हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल, कैसे हो मेरे गेम के दीवानों, आई होप बहुत ही मजा हो जैसा कि तुम्हारा भाई यार। तो भाई जैसे कि हमने वादा किया था कि हम आपको दिखाने वाले हैं PSO Pro 2TB स्पेशल जी गाइस। हमने अभी अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारी एक स्पेशल वीडियो आएगी जो है PSO Pro ब्रांड न्यू कंडीशन, जो कि बाहर से इंपोर्ट होकर आता है, नया सेट होगा एकदम 2TB स्पेशल होगा, और कितने गेम्स होंगे उसके अंदर, ठीक है, 9.0 वर्जन होगा, और कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि मतलब रियल जेल ब्रेक कौन सा, फेक जेल ब्रेक कौन सा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा आजकल स्कैम चल रहे हैं, मतलब कोई भी सेट आपको 11.00, 10.50, 10.70 कुछ भी जेल ब्रेक करके बेचा जा रहा, जबकि रियल बात यही है गाइस कि 9.0 से ऊपर का जेल ब्रेक कभी मार्केट में नहीं आया। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ PSO Pro, ये देखो ये स्पेशल है 2TB जी गाइस, और ये है 9.00, और इसके अंदर कितने गेम्स लोडेड हैं, कैसे आप वर्जन चेक कर सकते हो, और कैसे पेन ड्राइव का यूज है, अनलॉक कैसे कर सकते हो, और जो हमारे फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को बाय करते हैं कैसे वायर कनेक्ट करनी है, ठीक है, कैसा इसका यूसेज है, तो आज बेसिक से लेकर एंड तक आपको बताने वाला हूँ, अनबॉक्सिंग करेंगे, प्राइस भी बताएंगे, ठीक है, डीपली नॉलेज होगी। और अगर आप 2024 में गेमिंग कंसोल बाय करना चाहते हो, चाहे PSO हो चाहे PS5 आपको दिखाई दे रहा है, PS5 लेना हो, तो हमारे चैनल पर डीपली नॉलेज मिलती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो, फ्रॉड ना हो। आप इतनी मोटी रकम आग लगा रहे हो तो आपको अपने पैसे की वैल्यू का प्रोडक्ट मिलना ही चाहिए। तो जो नया जुड़ा है चैनल से, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे व्हाइट कलर का बटन है। तो चलिए करते हैं इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट, और दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या है चीज जो कि स्पेशल है आज की इस वीडियो की। सबसे पहले मैं करता हूँ PSO Pro 2TB स्पेशल को अनबॉक्स, ठीक है। ये देखो सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक USB केबल ब्रांड न्यू ओरिजिनल, एक पावर केबल आप लोग देख सकते हो ब्रांड न्यू ओरिजिनल, ठीक है, और एक मिलेगी आपको HDMI केबल, तो तीन केबल मिलेंगे साथ में न्यू ब्रांड न्यू। और देखो जो कि आजकल आपको बहुत सी जगह कॉपी रिमोट चेपते हैं, तो ये देखो ये होता है ऑफिशियल DualShock 4 वर्जन 2 ओरिजिनल सोनी का रिमोट, कंडीशन देखो ब्रांड न्यू, इसका वेट से आप पता लगा सकते हो कि ओरिजिनल है या फेक है, यूं इस तरीके से दबाओगे तो चरमराहट की आवाज नहीं आएगी। है देखो ये ओरिजिनल, बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है, बैटरी लाइफ अच्छी होती है, तो ओरिजिनल और फेक रिमोट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। बहुत सी जगह आपको मतलब बताते हैं कि जी सस्ता दे रहे हैं, लेकिन गाइस सस्ते के चक्कर में आपको कॉपी रिमोट देते हैं। तो ये ओरिजिनल DualShock 4 वर्जन 2 रिमोट, और जैसा कि मैंने आपको बताया 9.00 ओरिजिनल जेल ब्रेक है, तो कोई भी 9.00 जेल ब्रेक वर्जन, जो भी PSO स्लिम हो, प्रो हो, कोई भी एनीथिंग एल्स मॉडल हो, चाहे फैट हो, उसके साथ आपको एक पेन ड्राइव मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इस पेन ड्राइव के बिना आप इसके जो गेम होते हैं ना उनके पे पहले लॉक लगा रहता है, उसको अनलॉक नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो पेन ड्राइव होना जरूरी है, वही ओरिजिनल जेल ब्रेक है। तो एक रिमोट, तीन वायर, पेन ड्राइव, ये सारी एसेसरीज है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन यूनिट, देखो आप ये देखो, ये देख सकते हो ये है ब्रांड न्यू कंडीशन विद बॉक्स पैक, और ये देखो, और सेट गाइज ऐसा है ये स्पेशल सेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपका दिल खुश होने वाला। ये देखो सबसे पहले आप सेट देखो, ये रहा ब्रांड न्यू कंडीशन का PSO Pro, ठीक है। ऐसे सेट को देखकर ही गाइज दिल से निकलता है ये हमारा बुलबुल का बच्चा। आप लोग पीछे से देखो, प्रॉपर सील पैक सेट मिलेगा, साइड से भी देख सकते हो आप, आगे से भी देखो, और ये देखो पीछे से भी देखो, नो सिंगल स्क्रैच लाइक न्यू गाइज, ये देख सकते हो, ठीक है। और ये 2TB स्पेशल है, और इसके अंदर कितने गेम्स लोडेड हैं, बहुत से लोग ये डिमांड होती है कि आज भी हमें मतलब PS5 या PSO Pro मतलब कौन सा लेना चाहिए। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास बजट है PS5 खरीदने का, और आप PS5 का एक एक गेम आता 4 से 5 हज़ार रुपये का जी गाइज, अगर आप उनको बाय कर सकते हो,
कि आपको पैसे की मतलब दिक्कत नहीं है जी, बहुत पैसा है, टेंशन फ्री है पैसे की तरफ से, तो आप PS5 बाय करो, महंगे महंगे गेम खरीदो, ऑनलाइन खेलो, ठीक है। मैं पायरेसी को सपोर्ट नहीं करता हूं गाइस, देखो जेल ब्रेक को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, मेरे पास खुद का अपना PS5 रखा हुआ, आप लोग जानते हो, मैं भी एक एक गेम 4 से 5 हज़ार का खरीद के खेलता हूं। ये फैसिलिटी उनके लिए जो गांव देहात में रहते हैं, जो मतलब गेमिंग करना चाहते हैं, उनके आसपास कोई गेम की दुकान नहीं है, कोई सीडी की दुकान नहीं है, उनके पास नेट कनेक्शन नहीं है। आज के टाइम पर भी गाइस इंडिया के अंदर बहुत सी जगह ऐसी है जहां नेट कनेक्शन नहीं है, 1.5 GB फोन का यूज करते हैं तो 1.5 GB में नहीं हो पाता है। PS5 के गेम्स या PS4 अगर आप ऑनलाइन खेल रहे हो तो नहीं लोड कर सकते, मेंबरशिप लेके भी कोई फायदा नहीं है, तो उनके लिए गेम लोडेड की सर्विस होती है। और जो हमारे मिडिल क्लास और जो मिडिल क्लास से भी नीचे लोअर क्लास के लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमसे एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें गेम लोडेड वाला मिल जाए, हम आगे उसकी CD नहीं खरीद सकते, मेंबरशिप नहीं खरीद सकते, हमारे पास नेट नहीं है, उन लोगों के लिए होता है। मैं पायरेसी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं, अब से 2-3 साल पहले मैं भी जेल ब्रेक ही खेलता था, क्योंकि देखो आज के टाइम पर ना गाइस गेमिंग का जो शौक है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो हर किसी का इतना बजट नहीं होता कि गेमिंग कंसोल खरीदे, उसकी सीडी खरीदे, मेंबरशिप खरीदने, बहुत ऊपर तक जाता है यार, तो उन्हीं के लिए जेल ब्रेक जैसी फैसिलिटी है। और ये खुद गाइस कंपनियां भी निकालती हैं जी गाइस, जैसे ही उनका कोई भी कंसोल होता है आउटडेटेड हो जाता है, नया मतलब जनरेशन का कंसोल आया था, कंपनियों का खुद हाथ होता है गाइस, मानो या ना मानो हैकर होते हैं इसका, जेल ब्रेक निकालते हैं, तो उससे जो मिडिल क्लास फैमिली से बंदे होते हैं, हमारे जैसे बंदे, उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, खरीदनी नहीं पड़ती, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो ये PS4 Pro है, ये 2TB वेरिएंट है, इसमें सोनी ने गाइस 1TB निकाला था और 2TB निकाला था। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, आजकल बहुत सारी वीडियो में दिखा रहे हैं 4TB 5TB 70 गेम लोडेड 100 गेम लोडेड, गाइस सब कोई बकवास है गाइस। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये चीज अगर सक्सेसफुल होती ना गाइस, आप खुद सोचो, तो कंपनी भी इसके अंदर 4TB 5TB 10TB लगा सकता था। आप खुद सोचो, आपके पेट में जगह है 2 रोटी की, अगर आप उसके अंदर 6-7 रोटी खा लोगे तो आपका हाजमा खराब होगा, पेट खराब होगा ना होगा। तो 1TB या 2TB ओनली इनफ होता है किसी भी गेमिंग कंसोल के लिए, ठीक है। अब 4TB मैं इसके अंदर लगा दूं, 5TB लगा दूं, ये 1-2 महीने ठीक चल जाए, उसके बाद इसमें हीटिंग इशू आने लगेगा, मदरबोर्ड पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, नॉइज करेगा बहुत ज़्यादा, तो जल्दी खराब हो जाएगा गाइस। तो 1TB या 2TB इनफ होती है, इससे ऊपर कोई भी आपको इंटरनल लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, एक्सटर्नल आप लगा सकते हो, इंटरनली 1 या 2 TB ठीक है, अगर आप ज्यादा मतलब गेम्स चाहते हो तो इसके अंदर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लो, USB के थ्रू कनेक्ट करके चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर दी, सब कुछ क्या क्या इसके अंदर मिलता है वो भी दिखा दिया। अब मैं इसको TV से कनेक्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कौन सी वायर कहाँ लगेगी, कौन सा वर्जन है, कौन कौन सी इसके अंदर गेम्स लोडेड है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे कोने पर होता है पावर केबल लगाने वाला, ठीक है, पावर वाला पोर्ट, और उसके जस्ट बगल में HDMI पोर्ट होता है, ठीक है, और एक USB पोर्ट यहाँ पर है, ये लैन केबल के लिए, बाकी इनसे मतलब नहीं, क्योंकि ये जेल ब्रेक 9.0 है। तो पावर सॉकेट है यहाँ पर, पावर केबल यहाँ लगेगी, HDMI केबल यहाँ लगेगी, बस 2 केबल का खेल है, और ये केबल थोड़ा अंदर ठीक से लगाना, ठीक है। दोनों केबल लगाने के बाद पावर केबल यहाँ लगेगी, HDMI केबल यहाँ लगेगी, और सेटअप करीब से देखो यार, ब्रांड न्यू कंडीशन का सेट है, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और ये है USB केबल, ये तब लगाई जाएगी जब आपको रिमोट को चार्ज करना होगा। तो सारा सेटअप हो गया, आपको फिर सॉकेट के अंदर आपका स्विच लगा देना है प्लग को, और TV को HDMI पे कर देना है, चाहे आप 1 में कर रहे हो चाहे 2 में कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये है पावर बटन, इसको एक बार दबाना है, अब ब्लू कलर की लाइट आपको जलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और ये रहा रिमोट, PS बटन इस तरीके से दबाएंगे, ये देखो 01 पे X दबाना है। आज मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी गैलरी में जाना है और आप गेम देख सकते हो इसके अंदर। गाइस आपको मिलेंगे असैसिन क्रीड मिराज, क्रिकेट 22, डेज गोन, फार क्राई 6, एल्डन रिंग, फीफा 24, गॉड ऑफ वॉर 4, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक, गॉड ऑफ वॉर 3 रिमास्टर्ड, हॉगवर्ट्स लेगेसी, हिटमैन 3, GTA 5, होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, होराइजन जीरो डाउन कंप्लीट एडिशन, एवेंजर्स मार्वल, नीड फॉर स्पीड हीट, मोटो GP, मार्वल स्पाइडरमैन, रेड डेड रिडेम्पशन 2, रेजिडेंट ईविल 4, टॉम राइडर, लास्ट ऑफ अस 1, लास्ट ऑफ अस 2, टेकन 7, अनचार्टेड नेथन ड्रेक कलेक्शन, अनचार्टेड 1, 2, 3, फिर अनचार्टेड 4 है, फिर नीचे अनचार्टेड 5, यानी कि लॉस्ट लेगेसी, वॉचडॉग 2, WW2K22, स्मैकडाउन पेन PS2 का स्पेशल गेम जो कि PS4 जेल ब्रेक में चलता है, WW2K23। तो इसके अंदर गाइस 30 से 32 गेम्स लोड है, आप लोग देख सकते हो 32 गेम है, ठीक है। परफॉर्मेंस देख लो आप लोग, ठीक है, ये देखो क्या कंचा पीस है भाई, ठीक है। तो 2TB स्पेशल में 35 से 40 गेम आ जाते हैं छोटे छोटे, अगर आप लोगों छोटे बड़े मिक्स करके, ये सारे ही जितने भी आप गेम देख रहे हो आज के टाइम के 100-150 GB के गेम हैं, तो 32 गेम आए हैं, 2TB फुल हो गया है, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे चेक करना है कि ये 9.0 है कि नहीं। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, फिर सबसे नीचे जाना है आपको, अच्छा हमको सिखा दिया है, सिस्टम में जाना है, इसके अंदर
सिस्टम में जाके सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे जाकर एक्स दबाना है। आप लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर 9.0। तो ऐसे ही आपको चेक करना, आप किसी शॉप पर जा रहे हो या कहीं से भी ले रहे हो यार, वो कहता है कि जेल ब्रेक है 9.0 है, तो आप बिल्कुल भी यकीन ना करना उसका। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जाकर आपको ऐसे चेक करना है कि 9.00 है, ऑफिशियल जेल ब्रेक है, ठीक है। और देखो हार्ड डिस्क भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर 2 TB की आपको दिखाई देगी। स्टोरेज में जाना है, ये देखो, ये देखो 1.77 TB, 2 TB में 2.25 GB मिलता है हमें, ठीक है, फुल है। तो इस तरीके से आपको वर्जन चेक करना है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अभी इन सब पे लॉक लगा हुआ है। एक और ये भी पहचान है 9.0 जेल ब्रेक के, जो भी गेम्स आप जैसे ही सेट को ऑन करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, सारे गेम्स पर लॉक लगा हुआ आएगा। तो इन लॉक को खोलने के लिए सबसे पहले हमें इस ब्राउजर में जाना है, ब्राउजर में जाना है www, उस पर जाकर एक बार एक्स दबाना है। एक्स दबाएंगे गाइस, आप लोग देख सकते हो इस तरीके का एक गोल्डन लोड का, गोल्डन का मतलब एक पेज खुल जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन है, 1, 2, 3, किसी पर भी कर सकते हो। तो हम इस वाले पर जाकर एक्स दबाना है, एक बार एक्स दबाना है। जैसे ही आप एक्स दबाओगे यहाँ लिखा आएगा प्लीज वेट, ये देखो इनसाइड यूएसबी ड्राइव, इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आपको तुरंत ये पेन ड्राइव लेना है और अपने सेट के अंदर तरीके से लगा देनी है। जैसे इनसाइड यूएसबी ड्राइव आएगा, पेन ड्राइव लगाने के बाद यहाँ ब्लू कलर का एक पॉपअप आएगा, दिस यूएसबी स्टोरेज डिवाइस इज फाइल सिस्टम अनसपोर्टेड। अब इसका जाने का वेट करो, पेन ड्राइव लगाने का इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा। अब जो अभी आया था अभी ये चला गया, जैसे ही ये जाएगा आपको तुरंत अपना रिमोट उठाकर एक बार एक्स दबाना, एक बार और एक्स दबा देना, सिंपल। ये हमारा जेल ब्रेक सक्सेसफुल हो चुका है। अब ये पीएस बटन दबा के हम बाहर निकल जाएंगे। अब आप लोग देख सकते हो ये देखो सारे लॉक हट चुके हैं गाइज, ये देखो। अब आपको कोई भी गेम खेलना है, जैसे हमें खेलना है ये GTA 5, ये लास्ट ऑफ अस, तो बस किसी भी गेम पर आप हमें क्लिक करना है और वो गेम चल जाएगा। ये रहा GTA 5, ये लो खेलो मजे करो, सिर्फ यही छोटा सा एक प्रोसेस है गाइज, जैसा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब इस पेन ड्राइव को आप निकाल सकते हो, इसको निकाल कर साइड में रख दो, अब इसका कोई काम नहीं है। जब आप इसको बंद करोगे खेलने के बाद जब आपको वापस इसको मतलब स्टार्ट करोगे, तब आपको पेन ड्राइव दोबारा लगानी है। 10 सेकंड का एक प्रोसेस होता है, ईजी प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, इसको खोना नहीं होता है भाई, यही प्रोसीजर। और इसके अंदर आप खुद भी गेम लोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं 9.0 स्पेशल में। आप लोग देख सकते हो GTA 5 की लोडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है जेल ब्रेक का, जरा सा है। बाकी ये देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, किसी को R35S चाहिए तो मिल जाएगा, सेमियो चाहिए मिल जाएगा, सेमियो बहुत क्वांटिटी में हमने मंगा रखा है, R35S, R36S, सेमियो, सारे रेट्रो गेमिंग कंसोल है। PS5 का एक्स्ट्रा रिमोट चाहिए मिलेगा, CD यूज चाहिए मिलेगी, डायरेक्ट GTA 5 स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो यही एक प्रोसेस है, इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, तो आपका गेम इजिली चलेगा। आप लोग देखो ये है GTA 5 का फर्स्ट मिशन, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये PSO Pro जो 2 TB स्पेशल है, ये रेडियो है हमारे एक भाई हैं, सब्सक्राइबर भाई हमारे, जो कि औरंगाबाद में रहते हैं महाराष्ट्र में, उनकी स्पेशल डिमांड थी, उनके लिए स्पेशल ये सेट रेडी हुआ है, ठीक है। उनके मन मुताबिक यानी उनकी चॉइस के इसके अंदर गेम्स लोडेड हुए हैं। तो किसी को भी 2 TB या 1 TB चाहिए जेल ब्रेक, तो इसमें आपकी पसंद के भी गेम लोड हो जाएंगे। तो थैंक यू रिजवान भाई, औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं, शाउट आउट टू यू, उन्होंने बोला था मेरा नाम लेना आज भाई वीडियो में, तो थैंक यू सो मच रिजवान भाई इसको ऑर्डर करने के लिए। तो गाइस आपने आज की ये पूरी वीडियो देख ली होगी जो कि स्पेशल थी PSO Pro 2 TB सेट की, ठीक है। तो आज की वीडियो मैंने आपको डीपली नॉलेज दी है, क्या है क्या नहीं है, क्या देखकर लेने चाहिए, कौन सा वर्जन है, कैसे वर्जन चेक करते हैं, कैसे जेल ब्रेक को करते हैं, पेन ड्राइव का यूज क्या है, ठीक है। और 9.00 गाइस ये फायदा है, अगर आप इसमें जो पहली बार बाय करते हो, पहली बार हम लोग आपको गेम लोड करके देते हैं, आप 9.00 अगर परचेस करते हो, इन गेम से बोर हो, हम लोड करके दे रहे हैं आपकी मर्जी के, ठीक है। आप खुद से भी इसके अंदर गेम्स लोड कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीका है। एक इसमें आता है ID वाला, उसका वर्जन कोई भी हो सकता है 9.0 से ऊपर, 10.01, 10.50, 10.70, 11.02, तो वो सारे जितने भी लोग आज के टाइम पर लोकल मार्केट या कहीं भी आपको जेल ब्रेक करके मतलब जेल ब्रेक बोल के दे रहे हैं, ये सारे ID वाले सेट जेल ब्रेक नहीं है। देखो सेट वो बेकार नहीं होते, सेट वो भी अच्छे होते हैं, वो जेल ब्रेक से 3 से 4 हज़ार रुपए सीधा सीधा सस्ता मिल जाता है। अगर आपको सस्ते में चाहिए गेम लोडेड, इससे भी ज्यादा सस्ता चाहिए, तो आप ID वाले ले सकते हो। मेरे को दिक्कत देखो उस चीज से, बहुत से लोग ID वाले को ना जेल ब्रेक करके चेप रहे हैं कि जी जेल ब्रेक है ले जाओ मस्त रहो खेलो, वो जेल ब्रेक नहीं होते। ID वाला बोलो कि ये ID वाला है तब दो किसी को, वो जेन्युइन तरीका है बता कर दो, ठीक है। तो मेरा यही मोटिव रहता है आपको अवेयरनेस देना, आपको डिटेल गाइडेंस देना, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, मैं हर वीडियो के एंड में कहता हूँ जहां से आपका दिल करे वहां से खरीदो, मेरी वीडियो देखकर कुछ नहीं खरीदना बिल्कुल मत खरीदो, बट डिटेल इन्फॉर्मेशन लो, अवेयर रहो, ठीक है यार। बहुत मोटी रकम होती है तो बंदा कैसे कैसे उसको जमा करता है यार, तो काफी बैड फील होता है। बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीम करता है भाई मुझे जेल ब्रेक के मतलब ID वाला चेप दिया, मुझे कॉपी रिमोट दे दिया, किसी का कुछ निकाल लेते हैं, किसी का कुछ पार्ट्स निकाल लेते हैं, कोई कोई बोलता कुछ है कि हम ये भेज रहे हैं और जब उनके पास मतलब पार्सल पहुंचता तो कुछ और ही निकलता है। तो भाई बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं यार, प्लीज अवेयर रहा करो। आपको अगर अच्छी चीज चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, तो आज ही हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाओ, हमसे जुड़ो,
खरीदना है नहीं खरीदना वो आपकी चॉइस है गाइस, जबरदस्ती कोई नहीं है। बस आप वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसी लगती है हमारी, और भी कुछ नया आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो हमें बताया करो, ठीक है। तो पीएस और दिखाया है 2TB या 1TB आपको चाहिए, ठीक है, या अपने पास PS5 भी अवेलेबल है, प्लेन बंडल भी है, FIFA 24 बंडल भी है, एक प्लेन बंडल ये रहा और दो ऊपर रखे हैं, PSP, PS Vita, PS2, PS3, PS और स्लिम जेल ब्रेक, PS और ID वाला, एनीथिंग एल्स, यूज्ड गेमिंग कंसोल चाहिए या रिमोट कंट्रोलर चाहिए, ये गेम्स चाहिए, PS और के यूज्ड गेम, PS5 के नए गेम्स, कोई भी गेमिंग एक्सेसरीज सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो कुछ भी चाहिए नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वसीम भाई को लुटाते हैं, आप उनसे बात कर लेना, आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो डेली का हमारा भाई, वहां आओ बैठो आराम से चेक करो, ठीक है, गेम खेलकर तब लेकर जाओ। और जो दिल्ली से बाहर हमारे भाई हैं उनको फुल पेमेंट पहले देनी है, यहाँ पर कोई स्कैम फ्रॉड नहीं होता, मेरी जिम्मेदारी है आपको फुल पेमेंट करनी है, अपना एड्रेस देना प्रिपेड के साथ, 2 से 3 दिन में आपके घर पे आपकी डिलीवरी हो जाएगी। इसके अंदर चाहे आप 1TB लो चाहे 2TB लो, जितने भी गेम्स लोड होंगे वो आपकी चॉइस के होंगे, जो आप बोलोगे आप अपनी गेम की लिस्ट दोगे, ठीक है, वो ही इसके अंदर लोड होंगे। तो 1TB का प्राइस गाइस स्टार्ट होता है 31 से 32 हज़ार रुपए का, अगर 2TB में एक्सटेंड कराना चाहते हो तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि 2TB लगती है गाइस इसके अंदर, ठीक है, और 2TB जल्दी से मिलती नहीं इंटरनल वाली, और बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है यार, ठीक है। 2 मंथ्स वारंटी है, ब्रांड न्यू कंडीशन है, बॉक्स पैक है, फुल्ली आप यहाँ पर आकर बैठकर खेलकर चेक करके लेके जा सकते हो, ठीक है। बाकी किसी को PS4 स्लिम चाहिए जेल ब्रेक तो ये 26 से 27 हज़ार का मिल जाएगा, ID वाला चाहिए तो 22-23 हज़ार का मिल जाता है, अगर किसी को PS4 प्रो ID वाला चाहिए तो 27-28 हज़ार रुपए का समथिंग मिल जाता है गेम लोडेड। हर प्राइस के गेमिंग कंसोल अपने पास अवेलेबल, किसी का मतलब बजट लो है तो PS3 पर शिफ्ट हो सकता है, अगर PS2 चाहिए PS2 भी मिल जाएगा, और अगर किसी को नहीं चाहिए, हम इन सबको खेल चुके हैं, PS5 चाहिए तो PS5 की ह्यूज क्वांटिटी आपको हमारी वीडियोस में रेगुलर आप देखने को मिलती रहेगी। यही कहता हूं गाइस, कहीं से भी लो, अच्छी चीज लो, देख कर लो, डिटेल इन्फॉर्मेशन लो, उसके बाद ही परचेज करो। ऐसे प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। कमेंट बॉक्स यार भर दिया करो अपनी, जो भी आपके दिल में बात है, अच्छी लगे वीडियो अच्छा लिखो, बुरी लगे बुरी भी बताओ, ठीक है। वास्तव में मुस्कुराते रहो, गेम खेलते रहो, एंजॉय करते रहो, मिलते हैं आपसे और भी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा है, बाय बाय।